मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अपना टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों लाभानी। और दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेईमान दुकानदार की, कि एक बेईमान दुकानदार हमें किस तरह ठगता है और कितना प्रतिशत वह लाभ कमाता है। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आज के एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वादा करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड के अंदर इसको हल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस आज का इस टॉपिक को। एक बेईमान क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक बेईमान दुकानदार, इसमें दे रखा है कि ये बेईमान दुकान है, ये दुकानदार कैसा है, बेईमान है, तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, ये बेईमानी करेगा। तो वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, दावा करता है कि मैं क्रय मूल्य बेच रहा हूँ। उसके बाद में दे रखा है तथा वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। तो यहाँ पकड़े गए नहीं इसकी बेईमानी। 1 किलोग्राम भार के स्थान पर वो कितना भार का प्रयोग करे, 800 ग्राम के करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे। और दोस्तों, हमें दे रखा है कि 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। तो 1 केजी में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। तो दोस्तों, 1000 ग्राम की बजाय वो कितना ग्राम यूज ले रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितना बचा रहा है वो बचा रहा है 200 ग्राम, 200 ग्राम वो बचा रहा है। और दिया कितना, 800 ग्राम सेलिंग क्वांटिटी, या विक्रय मात्रा बोल सकते हैं, विक्रय मात्रा कितनी, 800। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो इसमें कोई याद करने वाली बात है नहीं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो बराबर में आएगा लाभ बटे, लाभ कौन सा होगा, ये लाभ जो हमें बचा है, कहने का मतलब कि दुकानदार को जो बच रहा है, तो 200 ग्राम बच रहा है ना, जो 200 ग्राम वो इसका लाभ है। और ये विक्रय मात्रा जो होगी, जो कि उसने दिया है, बेचा हुआ जो बेची हुई जो मात्रा होगी वो विक्रय मात्रा होगी। तो इसमें विक्रय मात्रा कितनी, 800, 1000 की जगह कितने दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो ये विक्रय मात्रा होगी, गुणा में 100 कर देंगे। अब इसको फॉर्मूले में यूज लेते हैं, लाभ कितना है इसमें, 200 ग्राम। दोस्तों, कितना बच रहा है इसको, 200 ग्राम बच रहा है, तो 200 ग्राम इसका प्रॉफिट है, लाभ है। बटे में कर देंगे विक्रय मात्रा कितनी थी, 800 ग्राम। विक्रय मात्रा दोस्तों 800 ग्राम, गुणा में 100 कर देंगे जो फॉर्मूले में है, ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बोल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 एकम 2 2 चौक 8, और ये कट गए 25%। जो 25% जो आया है वो आपने आया है प्रॉफिट परसेंट। और दोस्तों, ये अपने से पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लगा है, बाकी के हम क्वेश्चन किस तरह करेंगे कि एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेंगे, पढ़ेंगे तब। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का डिफरेंस आ रहा है, 200 ऊपर लिख देंगे। बटाए में कितना दिया, 800 दिया, गुणा में 100 कर देंगे। इसको काटने में कितनी देर लगेगी, 1 से 2 सेकंड लगेगी। 2 जीरो से 2 जीरो 4, 4 से इसको काटेंगे 25%, इसका आंसर हो गया। दोस्तों, समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर समझ आ जाएगा, धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन है, एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कि एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये भी कह रहा है कि लागत मूल्य पर, कह सकते हैं कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के
कि गलत वजन का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम में दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, 1 केजी में कितना ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना ग्राम यूज ले रहा है? 900 ग्राम। विक्रय मात्रा अपने आ जाएगी 900 ग्राम। 900 ग्राम ये अपनी विक्रय मात्रा का गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ परसेंट पूछा हमसे, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2014 में दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, SI में भी आया हुआ है, SSC में आया हुआ है, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे, लाभ प्रतिशत, तो ये हमें ज्ञात करना है कितने का अंतर हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 900 ग्राम उस वो बेच रहा है, 1000 ग्राम की वजह है, तो कितना बचा रहा है? 100 ग्राम बचा रहा है। 100 ग्राम जो बचा रहा है वो उसका लाभ होगा ना, तो ये 100 ग्राम 100 ऊपर आ जाएगा। बैठा है अपना सूत्र क्या था? विक्रय मात्रा कितनी दी? 900 ग्राम की, 900 ये आ गया, और गुणा में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, गुणा में 100 कर दिया। अब दोस्तों इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 100 में 9 का भाग देंगे, या तो हमें ऑप्शन में 100/9% मिल जाता है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। अगर दोस्तों ये नहीं मिलता तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, ये इसका परसेंटेज, ये अपना आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हो गया 11 सही 1/9, ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, और ये इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक बेईमान कपड़े वाला कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है, वो भी ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचता है, बेचता हूं वो ये बोल रहा है, एक बेईमान कपड़े वाला ये बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, परंतु वह 1 मीटर पैमाने के स्थान पर 96 सेंटीमीटर पैमाने का प्रयोग करता है। यहां पकड़ गई बेईमानी, क्योंकि 1 मीटर के स्थान पर वो कितने सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है? 96 सेंटीमीटर का पैमाने का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें हमसे लाभ परसेंट पूछे है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला गया है। और दोस्तों यहाँ 1 मीटर के लिए वो कितना की यूज कर रहा है? 96 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 100 सेंटीमीटर उसने एक कपड़ा देना था, उसकी जगह वो कितना देता है? 96 देता है, तो कितना बचाता है? 96 देता है, कितना बचाता है? 4 बचा लेता है ना, 4 सेंटीमीटर का वो लाभ कमा रहा है। तो दोस्तों हमसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है। ऑप्शन ए है 26/6%, सॉरी 25/6%, ऑप्शन बी है 50/6%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 20%। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का निशान भी दबाइए। और दोस्तों कॉमेंट द्वारा बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जैसे भी आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।